एससी भाईचारे वालों अज पंजाब बंद का सद्दा दिता गया। यूपी के हाथरस की घटना खिलाफ अज पंजाब बंद का सद्दा दिता गया है। अजनाला एससी भाईचारे ने मार्च कज के बाजार बंद करवाए ने। योगी सरकार खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है। 10 बजे तो दोपहर 3 बजे तक दी गई है बंद की कॉल। हाथरस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट तो करवाने की मांग भी की जा रही है। दस दिए कि हाथरस में दलित कुड़ी नाल कथित तौर से समूहिक बलात्कार होया सी, जिस तो बाद देश भर में आक्रोश नजर आ रहा है। एक पास जिथे लगातार विरोधी पार्टियां वालों केंद्र सरकार के नाल नाल यूपी सरकार से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कानून व्यवस्था लैके सवाल चुके जा रहे हैं, दूजे पास देश भर में गुस्सा नजर आ रहा है। यह 3 तस्वीर दर्शक देख रहे हैं, अजनाला होशियारपुर जलंधर तस्वीर ने, जिथे अज एससी भाईचारे वालों पंजाब बंद का सद्दा दिता गया है। यूपी के हाथरस की घटना खिलाफ अज बंद का सद्दा दिता गया, जिसका असर अजनाला होशियारपुर जलंधर नजर आ रहा है, क्योंकि तस्वीर के बाजार बंद नजर आ रहे हैं। इस तो पहला भी हाल ही के दिनों के वक्त थावां से देश भर में कैंडल मार्च कढ़ के दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। फिलहाल अज एससी भाईचारे वालों पंजाब बंद का सद्दा दिता गया है। मेरे नाल मेरे दो सहयोगी बन गए ने, लुधियाना तो नवीन शर्मा ते फिरोजपुर तो सरबजीत मेरे नाल बन गए ने। सब तो पहला नवीन शर्मा का मैं रुख करूंगी। नवीन, 11 बज चुके ने, 10 तो 3 बजे का समा रखा गया है, फिलहाल की हलचल ग्राउंड ते नजर आ रही है? नवीन, मेरी आवाज पहुंच रही है तुहाडे तक? नवीन का भी रुख करांगे, सरबजीत भी लगातार फिरोजपुर तो बने हुए ने। सरबजीत, 11 बज चुके ने, ते जिस तरह दे नाल अज एससी भाईचारे वालों पंजाब बंद का सद्दा दिता गया ते दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल ताजा हलचल फिरोजपुर विच की नजर आ रही है, किस तरह दे नाल लोग इस सद्दे नूं देख रहे ने ते किस तरह दे नाल हुण उह अग्गे मांग कर रहे ने, इस पूरे मामले विच की मांग कर रहे ने? कह सकते हैं यूपी के जो पिछले दिनों में जी घटना हुई थी लैके काफ़ी रोज जरा है पूरे देश में ही देखने को मिलता पाया, क्योंकि हाथरस में जरा गैंग रेप लड़की के नाल होया एक कानूनी जी है घटना जी वापरी है, और गुस्सा जरा पंजाब भी जरा देखने को मिले। अब पंजाब बंद की एससी भाईचारे वालों जी कॉल की गई थी, मतलब वह जरा असर जरा है वह मिले जुड़े एस एम दिखाई दे रहा। 11 बजे तो लैके 3 बजे तक जरा बंद का जरा इन्होंने कॉल की गई थी, जरा हूं कोई असर जरा देखने को मिलता पाया, क्योंकि लोगों के जरा काफ़ी रोष है तो यूपी सरकार सरकार के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने कहना भी यह जी घटना हुई है ये समाज के उत्ते एक धब्बा हैगा, तो लेकिन जी सरकार हैगी पीड़ितों इंसाफ दवाने की बजाय लीपा पोती जी करती दिखाई दे रही है। ये दोष जड़े लगातार जड़े लोगों वालों लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के टीम बनाने की जी गल की जा रही है ताकि उस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके, लेकिन फिलहाल जी उतों की जी सरकार हैगी इस पीड़ित परिवार को इंसाफ दवाने की जी दिखाई नहीं दे रही, जिस करके जी ओपोजिशन पार्टियां है उन्होंने भी जरा काफ़ी रोष तुम पिछले देख रहे पिछले दिनों दिखाई दे रहा, आम लोगों में भी दिखाई दे रहा, तो इतों तक कि पूरा देश ही जरा झंझोर के रख दिता इस घटना ने, क्योंकि जिस तरह उस लड़की के नाल जी घटना वापरी है वह अपने आप के भी एक शर्मनाक जी घटना वो दिखाई जी दी है। जी स्वाती बिल्कुल सरबजीत, तस्वीर जरूर साझा करो कि फिलहाल तुम इस समय कितने मौजूद हो तो किस तरह की हलचल तुम उ देख पा रहे हो। एससी भाईचारा इकट्ठा होकर किस तरह के नाल हूँ अगे लोगों भी अपील कर रहे हैं कि अज बंद रखा जाए तो श्रद्धांजलि भी दी जाए उस कुड़ी नूं, ते नाराजगी भी जाहिर की जाए सरकार खिलाफ कार्रवाई ना करने लैके। बिल्कुल कह सकते हैं भी इस भाईचारे वालों लगातार जड़े पिछले दिनों जरा रोज जरा मतलब दिखाई दे रहा, कितने कैंडल मार्च भी कटे गए ने, बाजार भी जड़े बंद कराए गए ने, लेकिन अब फिर बाजार बंद की जी कॉल की गई है, क्योंकि एक उस पीड़ित का एक परिवार की जी गल नहीं हैगी, जी पीड़ित घटना वापरी है ये अपने आप के भी एक हर इंसान जरा संजोर के रखने वाली घटना हैगी है, क्योंकि एक घटना कोई भी जरा माफ नहीं कर सकता, जिस करके वो सरकार के खिलाफ ही जरा यूपी की मतलब लोगों का गुस्सा जरा
वह भड़कता जरा दिखाई दिता क्योंकि इन्ने दिन होने के बावजूद भी पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिलता पाया। तो लीपा पोती जी है इस मामले के उत्ते की जा रही है, इतने भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं, मांग की जा रही है भी पीड़ित जड़े भी लोग जड़े दोषी है उन्होंने सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए, फांसी की सजा दी जाए, इस तरह के कानून जड़े है वह लियाए जा। लेकिन जी सरकार है दोषियों को फड़न की बजाय अजे तक मतलब उस मामले की जांच असर भी वक् वक् थावां ते नजर आ रहा है। जलंधर तो पतरस मेरे सहयोगी बन गए ने, पतरस का रुख करदे आ जलंधर दीआं तस्वीरां पतरस सांझा करो, 10 तो 3 दा समां रख्या गया, 11 वज चुके ने, किस तरह की हलचल ग्राउंड ते नजर आ रही है? पतरस की हलचल फिलहाल इतने नजर आ रही है, तस्वीरें जरूर दर्शकों के साथ साझा करो, 11 बज चुके हैं, तो किस तरह के नाल लोग भी आज इस पंजाब बंद के सद्दे नूं देख रहे हैं? जी स्वाति बिल्कुल, देखो जिस तरीके दे नाल अज दलित समाज के वालों खास तौर पर वाल्मीकि भाईचारे के वालों 10 बजे तो लैके 3 बजे तक की पंजाब बंद की कॉल दी गई सी, उसका असर जलंधर के दिखना शुरू हो चुका है। इस वक्त असी कारपोरेशन चौंक के मौजूद हाँ और इतने बड़ा वड्डा विशाल धरना जिहड़ा दलित भाईचारे के वालों वाल्मीकि भाईचारे के वालों इतने लगाया गया, हत्थां दे विच तख्तियां फड़ियां ने, योगी सरकार के खिलाफ मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, दलितों के खिलाफ जोड़े अत्याचार हो रहे हैं उन्होंने खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा रही है, ना सिर्फ मर्द बल्कि महिलावान बच्चे वही गिणती इतने पहुँचे ने और मंच तो वक् वक् तरह दकरीर हो रही ने। आख्या जा रहा कि जोड़े दलितों के उत्ते अत्याचार हो रहे हैं खास तौर पर यूपी के योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान, वो सरकार जिस सरकार के वालों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए जा रहे हैं, अजि सरकार के जदों बच्चियों के नाल अजे गंदे जिहड़े घिनौने कारनामे सामने आते हैं तो बड़े वड्डे सवाल खड़े होंगे ने सरकारों के उत्ते। सो दलित भाईचारे के वालों खास तौर पर वाल्मीकि भाईचारे के वालों अज बड़े वड्डे गुस्से का प्रगटावा किया जा रहा है। थोड़ा दस दिए कि अजे जे धरने है जलंधर के तकरीबन 9-10 जिहड़ियां प्रमुख थावां है प्रमुख चौंक है उन्होंने अजे जे प्रोग्राम है जोड़े वह उलीके गए हैं, उत्थे वक् वक् थावां उत्ते अजे धरने प्रदर्शन करके वाल्मीकि भाईचारे के वालों अपना गुस्सा जाहिर किया जा रहा है, अपनी आवाज जी है बुलंद की जा रही है। जी स्वाति बिल्कुल, आवाज पत्रस बुलंद की जा रही है, दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की जा रही है, अजिहा कानून बने कि दोषियों नूं मौके ते ही अजिही सजा दी जाए ताकि दूजियां लई भी वह मिसाल बने, वह फैसला जो लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह के नाल कई मामले सामने आ रहे हैं। तो जे यूपी की ही गल करिए, पहला हाथरस का मामला सामने आया, हजे वो शांत नहीं होया, उस विच कार्रवाई नहीं, उस तो बाद एक होर मामला सामने आना, तो ना सिर्फ यूपी विच देश भर में वक् वक् थावां ते जो इस तरह के मामले सामने आते हैं उस तो बाद सख्त कानून होना चाहिए, उस नूं अमली जामा पहनाना बहुत जरूरी है। यह भी मांग लगातार लोगों वालों की जा रही है क्योंकि जे कुड़ियां सुरक्षित नहीं होणगियां तां किस तरह दे नाल साडा देश अगे तरक्की करेगा? बिल्कुल स्वाति, इस गल विच कोई शक नहीं है और यही तकरीर इस मंच के उपरों भी हो रही ने कि सरकार के वालों बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वालों बार बार यही गल आखी जाती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और उस सरकार का हिस्सा जिहड़ी कि यूपी दे विच सरकार हैगी है भाजपा की सरकार, उस सरकार के कार्यकाल दौरान कुड़ियां दे उत्ते किस तरह के जिहड़े अत्याचार जां किस तरह दीआं जिहड़ियां घिनौणियां घटनावां सामने आ रहीआं ने उस नूं लैके लगातार जिहड़े है सवाल चुके जा रहे ने, लगातार इंसाफ की मांग की जा रही है और सरकार दे उत्ते सवाल चुके जाण दे नाल नाल इह वी मांग की जा रही है कि सख्त कानून होने चाहिए ने, कानून जिहड़े ने सिर्फ गल्ली बाती नहीं बल्कि अमली तौर पर जिहड़े लागू होंदे नज़र आने चाहिए ने तां जो जिहड़ियां बच्चियां ने खास तौर पर दलित भाईचारे दीआं वाल्मीकि समाज दीआं बेटियां जिन्हां दे उत्ते अत्याचार दीआं जिहड़ियां खबरां लगातार सामने आ रहीआं ने उहनां नूं ठल पै सके। पत्रस विरोध किया जा रहा है, योगी बेटी विरोधी अजिहा तख्तियां का इस्तेमाल इतने लोगों वालों किया जा रहा है, तो आवाज़ बुलंद की जा रही है, वड्डी गिणती विच महिलावां भी हिस्सा बनिया ने इस प्रदर्शन का, अपनी आवाज़ बुलंद कर रही ने, लगातार दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल धन्यवाद तमाम गलबात लई पत्रस अते सरबजीत, ये 3 तस्वीर अजनाला होशियारपुर जलंधर वक् वक् थावां ते पंजाब बंद का असर, जो एस सी भाईचारे वालों अज कॉल दिता गया पंजाब बंद का उसका असर नजर आ रहा है।